हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और मैं तैयार वैयार होके बैठी हूँ, दी तैयार हो रही है, हम जा रहे हैं बैजरो आज घूमी घूमी करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और देखो दी अभी तैयार हो रही है, अभी वहाँ लाली लिपस्टिक लग रही है। तो मेरे को बोलो, तू सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है, तू जल्दी से रेडी हो जा। और मैं रेडी होके आ भी गई, आधा घंटा हो गया मेरे को आए हुए, और ये मोहतरमा भी तैयार नहीं हुई है। तो चलो मिलते हैं रास्ते में, पहले ये तैयार हो जाए। हम निकल चुके हैं घर से बैजरों के लिए, और इनको देखिए इनको। चलो चलते हैं, गाड़ी मिलेगी तो ठीक, नहीं तो पैदल मार्ग 11 नंबर की गाड़ी में जाएंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। हम बैंड पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं कोई गाड़ी आती है नहीं आती है। वैसे सीधे चल लेंगे क्योंकि जहां से मिलेगी वहां से बैठ जाएंगे, और देखते हैं है कि नहीं। और ये भी है तनकु और दीदी है साथ में, तो चलो चल करते हैं आगे का सफर। हमें नहीं मिली कोई भी गाड़ी और हम चलते हैं पैदल पैदल। जब तक 11 नंबर की गाड़ी है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थक जाएंगे तो गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी चलेंगे पैदल पैदल, तो चलो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है, गाड़ी वाला या पैदल वाला। फाइनली एक टैक्सी आ रही है पीछे से, और फाइनली अब हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा और अब चलेंगे हम गाड़ी में। और धूप लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने सर पे रख दिया दुपट्टा। इनका पता नहीं कहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। तो अब आ गई है टैक्सी, अब टैक्सी में बैठते हैं। Thank you.
डाली डाली फूलों की। तो हम पहुंच चुके हैं बेजरो और अब करेंगे शॉपिंग, फिर मिलूंगी आपको। अरे मैं बीच में चपाती तक हमारे पास है मूड जल्दी चलिए आप ले। हमारी लगभग लगभग सारी शॉपिंग हो चुकी है और अब हम यहाँ पे नहर देखने आए हैं, मतलब यहाँ पे चाउमीन खाएंगे। ये तो नहीं खाएगी बेचारी किला निकाल दे सबूत ही का सबूत देखो, इसलिए नहीं खाएगी लॉन्ग लग रखी है इसमें तो इसलिए नहीं खाएगी और हम तो खाएंगे। ओ माय गॉड, यहाँ से नीचे फाल मारेंगे हम, नहीं मारेंगे फाल नहीं मारेंगे, पर यहाँ बहुत खाई है। जीना है भाई जीना है, अभी जीना है हमें। शॉपिंग हम बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी भी मिल गई है इसको, देखो इसने कुछ नहीं खाया ना पिया, घर से पानी ला रखा है और इसी को पिएगी बेचारी। और हमने चाउमीन खाई और गोलगप्पे घर में ले जा रहे हैं, घर में बनाएंगे और घर में खाएंगे क्योंकि मम्मी को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम लेके गए उनके लिए, तो हम भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा, और कोई नहीं खाएगा। मैं और मम्मी, मेरे को और मम्मी को ही पसंद है गोलगप्पे, तो घर जाके गोलगप्पे बनाएंगे। हम आ चुके हैं बेजरो से, मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, वैसे तो आ गए थे जल्दी आ गए थे, मतलब थोड़ी देर पहले आ गई थी, ऊपर गई फिर वहाँ सामान सामान रखा, उसके बाद थोड़ी देर चाय पी, उसके बाद नीचे आई, अब कपड़े चेंज करती हूँ, फिर घास काटने जाते हैं क्योंकि सुबह से कल शाम को ही काटा था तो सुबह से तो घूम ही रहे थे, तो अब घास तो काटना ही पड़ेगा है नहीं, तो चलो कर लिए मैंने कपड़े चेंज, अब घास के लिए जाते हैं। और मेरी दथड़ी भी मिल गई मेरे को यहीं पर, और ये जिसमें घास बांध के लाना है वो भी मिल गया, अब चलते हैं घास के लिए, देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैं जा रही थी घास के लिए तो दी ने बोला कि तू गोबर निकाल और भैंसों को पानी खिला देना, तो मैं घास ले आऊँगी बल, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पानी और पानी खिला लूँगी और गोबर निकाल दूँगी, तो चलो पहले निकालती हूँ गोबर फिर मिलूँगी आपको। तो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं गोलगप्पे और हम गोलगप्पे लेके आए थे वहाँ से, क्या बोलते हैं बेजरो से, और माँ को बहुत पसंद है इसलिए लाए थे, क्योंकि मेरी सासू माँ कब से बोल रही थी कि मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने कहा चलो घर पे ले जाते हैं। मैं आ चुकी हूँ खाना वाना खा के अपने रूम में और तन्नू आ गई है मेरे पे मेहंदी लगाने के लिए, उसने 9 बजे का टाइम दिया था लेकिन 9 से ऊपर हो गया है, और मैंने तन्नू को बोला था जल्दी आना क्योंकि मैंने कहा यही सो जा मेरे साथ, तब देखते हैं कब तक मेहंदी लगती है, कब तक क्या होता है, तो उसके बाद ही होगा जो होगा, तो चलो अभी मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। लग चुकी है मेहंदी और 9:30 से और 12 बज गए हैं, एक ही हाथ पे लगी है देखो कैसी लगी, अच्छी लगी है ना, तो इसने लगाई है और जैसी भी है अच्छी है, सगुन होता है मेहंदी का, तो इसलिए मैंने बोला चलो तुम ही लगा दो यार, कोई है ही नहीं लगाने के लिए, एक हाथ पे मैं खुद ही लगाऊंगी, एक हाथ पे इसने लगाई है, बहुत अच्छी लगाई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसा भी हो गांव में क्योंकि कभी लगाते नहीं है कभी सीखी नहीं है, जितनी भी आती है खुद से आती है, तो जैसी भी है अच्छी है, सगुन होता है मेहंदी का, ऐसा कुछ नहीं है, तो चलो आप करते हैं सोने की तैयारी और एक हाथ पे सुबह 4 बजे उठ के लगाऊंगी तो फटाफट से लग जाएगी, तो एक कीप खाली और एक कीप खाली हो चुकी है एक हाथ पे, तो दूसरे हाथ पे मैं सुबह उठ के लगाऊंगी, मैंने कहा 4 बजे का अलार्म लगा देती हूँ, 4 बजे उठ के लगाऊंगी, तो चलो अभी करते हैं सोने की तैयारी, फिर मिलती हूँ सुबह क्योंकि सुबह ब्लॉग का एंड करूंगी।